नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन है। इस वीडियो में मैं स्नैपडील के बारे में मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ। क्या है कि स्नैपडील की तरफ से मुझे एक एनवलप आया था, तो वो एनवलप मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक एनवलप है, आप देख रहे हैं ना, आप देखो एक बार। ये एनवलप मुझे आया था स्नैपडील की तरफ से, जैस्पर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये जैस्पर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मुझे एक एनवलप आया था, तो मैं आपको दिखाया था ये। तो मुझे नहीं मालूम था एक्चुअली ये आया बोल के। तो ये ओपन करने के बाद उसमें स्क्रैच कार्ड बोल के है, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रैच कार्ड क्या है। देखो फ्रेंड्स, स्क्रैच कार्ड, तो स्क्रैच करने के बाद आप देखो क्या है, मैं आपको नज़दीक दिखाता हूँ, देखो एक बार। ठीक है, XUV500, इसे SMS कोड भी है 19028 बोल के है, देखो नीचे 19028 बोल के है देखो। तो एक्चुअली मैं इसमें स्नैपडील में मैं कुछ ऑनलाइन परचेस किया ही नहीं, तो वो लोग को अभी इसे भेजे, मैं और एक दिखाता हूँ आपको। ये मुझे स्नैपडील की तरफ से आया था, तो आप पीछे देखो, आप पीछे भी मैं बैक साइड दिखा देता हूँ। बैक साइड में आप देखो एक बार, बैक साइड में मैं आपको बैक साइड भी दिखाता हूँ। तो एक्चुअली मैंने कुछ भी ऑनलाइन में परचेस नहीं किया, तो फिर भी वो लोग मुझे एक एनवेलप भेजे, आपको ऐसा स्क्रैच कार्ड में आपको XUV500 आपको मिला। तो उन्होंने इसके ऊपर जो आपको इसके ऊपर जो आपका नंबर है, नंबर और ईमेल आईडी है, तो इस नंबर पे मैं कॉल किया। उन्होंने बोल रहे कि उन्होंने बताया था मुझे, क्या बोला कि वो पीछे की तरफ से जो डिटेल्स है, पीछे की तरफ जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स फिलअप करके वो व्हाट्सएप में नंबर में भेजो बोल के बोला था वो मुझे। तो मुझे लग रहा कि ये फेक है। आजकल कोई भी 100 रुपये देने के लिए सोचते ये लोग अभी ऐसा भेज दे के पब्लिक से पब्लिक को परेशान कर दे के पब्लिक को ऐसा स्क्रैच कार्ड भेज दे के पब्लिक को परेशान कर देते, और क्या पूरा फ्रॉड है, कोई भी पैसे देता ही नहीं। आजकल 100 रुपये देने के लिए सोचते, 100 रुपये भरोसा नहीं करते आजकल ज़माने में। तो ऐसा में कुछ फ़ायदा नहीं है फ्रेंड, कोई भी आप यकीन मत करो, कोई भी बिलीव मत करो। फेक मैसेज आते हैं, मैसेजेस भी जो भी बहुत सारे मैसेज आते हैं फेक मैसेज, अप्रूवल हुआ, लोन अप्रूवल हुआ बोल के, आपका पैसे आए बोल के, ऐसे बहुत सारे फेक कॉल भी आते हैं, आपको मैसेज भी आते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्ड मत हो, ईमेल में भी आते हैं उस पर भी रिस्पॉन्ड मत हो। थोड़ा फेक नोटिफिकेशन आते हैं किसमें, गूगल में थोड़ा फेक नोटिफिकेशन आते हैं, तो कभी कभी ओपन कर देते। ओपन करने के बाद उसमें फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, ZT स्टोर सब थोड़ा फेक वेबसाइट ओपन होने के बाद, आपको 20,000 का फ़ोन ऐसा 5,000 में, 6,000 में ऐसा आपको दिखाता है। लेकिन जब आप प्रोसीड करते पेमेंट के तरफ प्रोसीड करते ना, प्रोसीड करने के बाद वो पेटीएम में चल जाता है। अगर आप पेमेंट किए ना, आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता। पैसा डिडक्ट हो जाएगा लेकिन आपको आइटम नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आप मैं बोलना चाहता हूँ, ये फेक नोटिफिकेशन जो भी आते हैं आप अलर्ट रहे, प्रोसीड मत करो, पेमेंट के द्वारा प्रोसीड मत करो। आपको अगर कुछ इतना सस्ता मिल रहा है तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप चेक करो क्या है प्राइस। ठीक है फ्रेंड, गूगल में थोड़ा फेक नोटिफिकेशन आते हैं, तो कभी कभी ओपन कर देते। ओपन करने के बाद उसमें फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, ZT स्टोर सब थोड़ा फेक वेबसाइट ओपन होने के बाद, आपको 20,000 का फ़ोन ऐसा 5,000 में, 6,000 में ऐसा आपको दिखाता है। लेकिन जब आप प्रोसीड करते पेमेंट के तरफ प्रोसीड करते ना, प्रोसीड करने के बाद वो पेटीएम में चल जाता है। अगर आप पेमेंट किए ना, आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता। पैसा डिडक्ट हो जाएगा लेकिन आपको आइटम नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आप मैं बोलना चाहता हूँ, ये फेक नोटिफिकेशन जो भी आते हैं आप अलर्ट रहे, प्रोसीड मत करो, पेमेंट के द्वारा प्रोसीड मत करो। आपको अगर कुछ इतना सस्ता मिल रहा है तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप चेक करो क्या है प्राइस। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ऐसा कुछ एनवलप आया तो आप जल्दी से जल्दी आप रिस्पॉन्स मत हो, क्योंकि ये पूरा फेक है, पब्लिक से पैसे लूटने के लिए ऐसा काम कर रहे। तो मेरा कहने का मतलब भाई, देखिए तो प्लीज़
इस जितने भी ऐसा आते हैं ना आपको अवॉइड करो, फेक एसएमएस, फेक नोटिफिकेशंस, जो भी आपको पैसे की तरफ को जो भी पैसे के बारे में जो भी फ़ोन कॉल करते जो भी करते ना, आप रेस्पॉन्स मत दो। अगर कुछ है तो सर मैं बैंक विजिट करता हूँ, विजिट करने के बाद मैं पता कर लेता हूँ क्या है स्टेटस, क्या है क्या है, बोल के आप ऐसे ही बोलो, ठीक है फ्रेंड। प्लीज़ फ्रेंड, ये आपको हेल्पफुल होता है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो निकल के आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए ये पूरा फेक है। प्लीज़ रेस्पॉन्स मत दो। जो भी आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं भी पेमेंट करना है तो बार कोड आप स्कैन करते हो, मानो कि आप मेडिकल में गए, पेट्रोल पंप में गए, किराना शॉप में गए, जो भी आप पेमेंट करते हो ना बार कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो ना, तो आप मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बार कोड स्कैन करने के बाद आप पता कर लो, मतलब कन्फर्म कर लो भाई आपका, मैं बार कोड स्कैन कर लिया, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो आप कन्फर्म कर लो यही है क्या, हाँ यही है, आप पेमेंट करो, तब आप पेमेंट करो, ऐसे में आपको कन्फर्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक बार क्या हुआ कि पेमेंट करने के बाद उसको नहीं आया, मैं बोला कि उसको आपको आ गया, तो मैंने बोला कि आपको आ गया, आप एक बार चेक करो, तो उसको मालूम ही नहीं था एक्चुअली बार कोड स्कैन करने के बाद यूपीआई में चला गया था, बैंक में एक्चुअली बैंक में क्रेडिट होता था, उसको मैसेज नहीं आया, थोड़ा लेट हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पेमेंट करें, जब बार कोड स्कैन करें, जब कन्फर्म कर लेके पेमेंट करो भाई, कन्फर्म कर लेके पेमेंट करो फ्रेंड, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाओ, कुछ कमेंट दो, कमेंट करो फ्रेंड, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।